हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग IBPS के द्वारा आयोजित ग्रामीण बैंक ऑफिस असिस्टेंट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है सबसे आसान सवाल जो है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज से रिलेटेड सवाल रहता है। उसमें जो है पाँच नंबर जनरली पाँच क्वेश्चन जो है पूछा जाता है पाँच नंबर का। इसमें जो है आप टोटल स्कोर पूरा का पूरा जो है पाँच में पाँच स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला सवाल, इसमें 44, 45, 53, 62 यहाँ हमको निकालना है, नेक्स्ट टर्म 151 है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें वैसा ही रूल अपनाएंगे जैसा कि हम लोग ग्रामीण बैंक पीओ में सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें जो है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में घटाएंगे और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे, फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म को घटाएंगे, या फिर घटते हुए टर्म में रहेगा, ये तो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। तो हम लोग सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, या फिर घटते हुए क्रम में रहेगा तो फिर इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म को ही घटाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ये वैल्यू इसका बढ़ते जा रहा है। तो 44 में एक जोड़ेंगे तो ये 45 हो गया। अब इसमें थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाइए, 13 में से 5 जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस 8, ये 8 से बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं 9, ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया प्लस 9, प्लस 1 से बढ़ रहा है, प्लस 8 से बढ़ रहा है, प्लस 9 से बढ़ रहा है। इससे आपको जो है इससे आपको क्या पता चलता है, इसमें जो है 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 9 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, मतलब एक क्यूब के रूप में बढ़ रहा है, दूसरा स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है। तो पहला यहाँ पर सीरीज में बनेगा, तो एक का जो है 1, 2, 3 इस तरह से टर्म इसका बढ़ते जा रहा है, एक स्क्वायर आएगा तो एक क्यूब आएगा, एक स्क्वायर तो यहाँ पर पहला स्क्वायर, एक स्क्वायर आ रहा है तो एक एक होगा, दूसरा फिर क्यूब आ रहा है तो यहाँ पर 8 हो रहा है, फिर तीसरा जो है स्क्वायर आ रहा तो यहाँ 9 हो रहा, तो फिर इसी तरह से जो है चौथा टर्म जो है इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पावर 2 पहला बार में आया, पावर 2 उसके बाद आया पावर 3, उसके बाद फिर पावर 2, मतलब 2, 3, 2, 3 करके ये पुनरावृत्ति इसका होते रहेगा, बार बार ये दोहराते रहेगा, तो ये हो जाएगा इस बार पावर 3। तो 4 चौक 16 चौका 64, ये हो जाएगा 64, तो यहाँ से वैल्यू बढ़ जाएगा इसका 64 से, तो 64 जोड़ देंगे 4 2 6 6 6 12, इतना मेरा निकल गया वैल्यू 126। तो इसको फिर आगे हम लोग चेक करके देखेंगे कि इतना वैल्यू आ रहा है, फिर इसी सीरीज में आगे बढ़ रहा है, तभी अगर इसमें अगर सही हो जाता तब आपका आंसर सही है, नहीं तो जो है आपको फिर से दूसरा तरीका इसमें अपनाने का ज़रूरत है। तो इसमें घटा करके देखेंगे 126 में से 151, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, यहाँ वैल्यू आ रहा है हमको 25, प्लस 25 से बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए 5 पर पावर 2, मतलब हम जो निकाले हैं वो सही आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद जो है पावर 2, उसके बाद पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 2, मतलब इसी सीरीज में ये चलते रहेगा, तो लास्ट टाइम तक जो है इस सीरीज का फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो निकला है वह सही है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये सीरीज दिया हुआ 5, 3, 3, 5, 15 और ये हमको लास्ट टर्म निकालना है। तो देखिए इसमें घटा करके देखेंगे तो ये हो जाएगा -2, यहाँ फिर जो हो जाएगा +0, कुछ नहीं है तो उससे मंक है, यहाँ हम लोग देखेंगे +2, यहाँ हम लोग देखेंगे 15 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा +10। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं -2 से घट रहा है, फिर जो है 0 से बढ़ रहा है, फिर जो है 2 से बढ़ रहा है, फिर जो है +10 से बढ़ रहा है, तो ये हमारा कोई भी सीरीज में नहीं आ रहा है। इसमें फिर जो है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को अगर घटाते हैं तो 0 माइनस -2, ये हो जाएगा +2, इसमें घटाएंगे तो 2 हो जाएगा,
इसमें घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप भी करके देखते हैं तो भी हमारा जो है सीरीज में नहीं मिलता है, तो इसके आधार पर हम लोग लास्ट टर्म नहीं निकाल सकते हैं, तो इसमें जो है हमको कोई दूसरा ट्रिक लगाने का ज़रूरत है। तो यहाँ पर सोच सकते हैं 3 × 1 = 3, इस तरह से 3 × 2 − 1 = 5, इस तरह से, तो इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। 5 से 3 इसमें गुना हो रहा है तब जा करके आ रहा है इसमें, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। 5 में हम लोग कितना से गुना करेंगे, 5 में हम लोग ज़्यादा से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से ही गुना करते हैं। 5 × 1 = 1, 5 में 1 गुना करेंगे फिर घटा देंगे इसमें 2 से, अगर घटा देते हैं तो हमको −3 मिल जाता है। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ाइए, 3 × 2, 3 × 2, 3 × 2 = 6 −3 इसमें करेंगे फिर हमको 3 अंक ये मिल गया। नेक्स्ट स्टेज में आइए, 3 × 2, 3 × अब की बार 3 हो जाएगा, 1 बार गुना हो रहा है, 2 बार गुना हो रहा है, तब की बार जो है 3 से गुना होगा, 3 × 3 −, देखिए 2, 3, 4 उसी सीरीज में सभी में चलेगा, तो 2, 3, 4। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5 × 4, 5 × 4 −, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, इस बार 5 हो जाएगा, 5 × 4 = 20 हो गया, 20 − 5 = 15। और नेक्स्ट सीरीज फिर इसी तरह से चलेगा, यहाँ 4 से गुना किए हैं लास्ट में तो अब की बार होगा 5 से गुना होगा, 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 × 5 = 75, 75, तो ये 75 हो गया। इसमें इस बार जो है 6 से घटा देंगे इसमें, ये हो जाएगा 69, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि एक ट्रिक जहाँ से इसमें नहीं हो रहा है तो आपको दूसरा ट्रिक इसमें सोचना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹250, 400, 100, 800, ये डॉट 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 ये हमको निकालना है। और एक सवाल और लेते हैं, 32, 42, 57, ये हो गया, इसको निकालना है, 102, फिर 132। देखिए इसमें तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, ये वैल्यू दिया हुआ है 250, 400, 100, 800, तो देखने से ही आपका पता चल रहा है कि ये जो है गुना के रूप में हो रहा है, इसमें जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 में 8 से गुना कर रहे हैं तब जा करके ये 8 हो रहा है, 800 हो रहा है, 400 में कितना से हम लोग ये 100 आ रहा है वैल्यू, इसका मतलब इसमें भाग दिया जा रहा है तब आ रहा है। यहाँ पर 200 में देखिए 200, उसके बाद 50 हो रहा है, इसमें भी भाग दिया जा रहा है तभी आ रहा है, 50 से 400 हो रहा है तो इसमें गुना किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप घटा करके लाएँगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में घटाएंगे, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे, तो इसमें घटाते रह जाइएगा, ये कभी आपका आंसर मिलने वाला नहीं होगा। तो पहले देख करके आपको समझ जाना है इसमें जो है ये घटाने से उसका आंसर हो जाए आ जाएगा, या फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है या फिर डिवीजन इसमें है, ये चीज़ आपको इसमें पहचानना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो उसमें जो है हम लोग सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को नहीं घटाएंगे, उस तरीक़ा से हम लोग नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 200 से 50 हो रहा है तो इसका मतलब भाग हो रहा है, कितना से भाग हो रहा है, 50, 4 से भाग देंगे 200 में तब हमको 50 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए
50 में हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 400 मिल जाएगा। फिर 400 में भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तब हमको 100 मिल रहा है। उसके बाद फिर देखिए 100 में हम लोग 8 से गुना कर रहे हैं तो 800 मिल रहा है। तो एक बार जो है भाग दे रहे हैं 4 से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं 8 से, फिर भाग दे रहे हैं 4 से, फिर गुना कर रहे हैं 8 से, मतलब इसी सीरीज में ये चलते रहेगा। तो उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट सीरीज हो जाएगा, गुना 8 से हो गया, तो अब की बार हम लोग भाग देंगे 4 से, फिर तो 800 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल है इसमें 32 42 57, ये हमको डॉट डॉट ये निकालना है, 102 उसके बाद 132। तो आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू जो है 32 से 42 हो रहा है, 42 से 57 हो रहा है, 102 से 132 हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वैल्यू जो है बढ़ रहा है, आरोही क्रम में है। तो इसमें वैल्यू जब बढ़ते जाएगा तो सेकेंड टर्म में हम लोग फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 42 में से 32 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये प्लस 10 से बढ़ रहा है। 57 में 42 को घटाएंगे ये प्लस 15 से बढ़ रहा है। फिर जो है देखिए बढ़ रहा है 10 15, मतलब 5 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ हमको नहीं मालूम है, चौथा टर्म नहीं मालूम है। तो हम लोग एक अनुमान के तौर पर जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि ये लास्ट टर्म जो दिया हुआ है और एक लास्ट टर्म से पहले का टर्म, ये दोनों घटा के देख लेंगे कि ज़्यादा का डिफरेंस तो नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 2 में से 2 हो गया 0, 3 में से 0 हो गया 3 हो गया, एक एक कट गया, मतलब प्लस 30 से यहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें 10 15, इसके आगे जो है हो सकता है 20 बढ़े, 20 5 5 बढ़ेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, उसके आगे तो जो 25 बढ़ेगा, उसके आगे फिर जो है 30, मतलब ये हमारा इस तरीका से जो बना रहे हैं वो हमारा ट्रिक जो है सही है। तो इसी तरह से हम लोग बना देंगे, इसमें ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। 10 से बढ़ा, 15 से बढ़ा, उसके बाद जो है 20 से बढ़ जाएगा, 20 से बढ़ जाएगा तो इसमें ऐड कर दीजिए 20, तो ये हो जाएगा 57 और 20 हो जाएगा 77, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको आगे फिर चेक करने का ज़रूरत है कि ये जो हमारा वैल्यू आया इस टर्म से इतना में हम लोग घटाएंगे, इसी सीरीज में फिर बढ़ रहा है कि आगे की नहीं, वो चीज़ हमको चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर जो है आपका आंसर गलत हो सकता है। तो 57 में 102 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 7 गया 5, ये हो जाएगा 9 में 7 गया 2, मतलब 25। तो 10 15 20 25 30 सभी में जो है 5 5 का डिफरेंस आगे बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, फिर जो है यहाँ भी 5 हो गया, मतलब सभी में 5 5 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। और जो है लास्ट टर्म सीरीज को उसको भी हमने चेक करके देख लिया, अब हमारा जो है आंसर ये जो है अब 100% सही है। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, यह हो गया 40 दिया हुआ है वैल्यू, 40 41 37 46 वो निकालना है, उसके बाद वैल्यू दिया हुआ है 55। देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू 40 है, 40 है, फिर 41 है, फिर 37 है, फिर 46 है, और फिर जो है 55 है। तो इसमें जो है वैल्यू जो है शुरू में बढ़ रहा है, फिर जो है घट रहा है, लेकिन जो है ज़्यादा डिफरेंस इसमें अंतर नहीं है, इसमें जो है घट रहा है वैल्यू, ज़्यादा अंतर से नहीं घट रहा है। फिर 37 से 46 आ रहा, और फिर जो है लास्ट तक वैल्यू 55 जा रहा है। तो इसमें हम लोग
इसमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन इसमें नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहता है तो उसमें लार्ज डिफरेंस से उसमें लार्ज अंतर आ जाता है, मेजर डिफरेंस में होता है। लेकिन जो है यहाँ स्मॉल डिफरेंस हो रहा है, बहुत कम मात्रा में बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे। तो इसको 41 में से 40 जाएगा, तो ये एक प्लस एक, प्लस एक से बढ़ रहा है, उसके बाद जो है वैल्यू घट रहा है 41, 11 में 7 4 हो गया, 4 माइनस 4, माइनस 4 से वैल्यू जो है घट रहा है, 41 से 37 हो रहा है, उसके बाद जो है फिर वैल्यू बढ़ रहा है हमारा 16 में 7 गया 9, तो प्लस 9 से बढ़ रहा है। देखिए अब हमारा जो है आंसर लगभग मिल रहा है, एक आ रहा, चार आ रहा, फिर नौ आ रहा, मतलब संख्या का वर्ग के रूप में आ रहा है लगातार। तो यहाँ पर जो है एक का स्क्वायर हो गया, दो का स्क्वायर हो गया, तीन का स्क्वायर हो गया, तो अब की बार वैल्यू हो जाएगा लगातार आ रहा है, एक दो तीन चार, तो ये हो जाएगा चार का स्क्वायर 16, तो 16 हो जाएगा। तो एक बार प्लस किया गया तो दूसरा बार माइनस, फिर एक बार प्लस किया गया तो इस बार हम लोग माइनस करेंगे 46, मतलब इसमें वैल्यू घट जाएगा, 46 में से 16 घटाएंगे तो 6 में 6 गया 0 हो गया, 4 में से गया 3, ये हो जाएगा 30, ये वैल्यू हमारा निकल गया 30। लेकिन फिर जो है ये हमारा वैल्यू सही निकला है या फिर गलत, उसको हम लोग चेक करेंगे, उसको अगला टर्म से फिर घटा करके देख लीजिए, उसके बाद कितना सीरीज है उस सीरीज में फिर आ रहा है कि नहीं वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो 55 में से 30 गया तो ये हो जाएगा 5, 5 3 गया 2, तो ये हो गया प्लस से बढ़ रहा है प्लस 25, प्लस 25 ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो इस सीरीज में बन रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस, मतलब ये सीरीज में हमारा बन रहा है। ये जो हमारा आंसर निकला है ये जो है 100% सही है। इस तरह से हम लोग नंबर सीरीज से रिलेटेड सवाल को हल करेंगे। सबसे आसान सवाल जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज से सवाल रहता है, इसमें 5 नंबर में आप जो है 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।